खबरों में बने रहने के लिए अपना.news को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं ज्योति अपना लाइफ.news से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपना हेल्थ में। अपना हेल्थ का ये दूसरा कड़ी है जिसमें हम पटना शहर के सबसे वरिष्ठ महिला डॉक्टर के पास बैठे हैं, जिनका नाम है मंजू गीता मिश्रा। मंजू गीता मिश्रा जी से आज हम जानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं मंजू गीता मिश्रा जी से कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है। मैम, हमको पूछना था कि सर्वाइकल कैंसर आखिर ये होता क्या है। लोग मतलब आज तक आमतौर की आज तक मतलब महिलाओं को हो रहा है, तो फिर आखिर ये कैंसर है क्या? आजकल नहीं हो रहा है, सब दिन से होता है, लेकिन इंडिया में इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। चूँकि यहाँ की महिला और जगह है, दूसरे कंट्री में रूटीन जांच होता है, पैप स्मियर होता है क्या, बच्चेदानी के मुंह का, बच्चेदानी में बॉडी ऑफ द यूट्रस रहता है, नीचे में उसका मुंह रहता है, मुंह का जो कैंसर होता है वो उसी को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और हमारे यहाँ इंसिडेंस इसीलिए ज़्यादा है कि इसमें जो है यहाँ हम लोग का लेट डिटेक्शन होता है, शुरू में पता नहीं चलता है, हमारी महिला उतना अवेयर नहीं है। और सब जगह है कि रूटीन स्क्रीनिंग होता है, जा करके रूटीन सबको 30 साल के बाद हर महिला को अपना पैप स्मियर कराना चाहिए। पैप स्मियर कराने से यदि कराते रहेंगी तो उसमें जल्दी डिटेक्ट होता है। अब पैप स्मियर में यदि कुछ लगेगा कि एबनॉर्मलिटी है तो उसको जो है सो कॉल्पोस्कोपी कहते हैं, जो कि दूरबीन के टाइप का है जिससे देखा जाता है कि क्या है। तो उसमें यदि पहले ही से डिटेक्ट हो जाता है, जैसे कि अभी कुछ शुरू में CIN1 CIN2 तुरंत कैंसर नहीं हो जाता है, पकड़ता नहीं है, टाइम लगता है। यदि शुरू से चेकअप कराती रहेंगी, अपना स्क्रीनिंग कराती रहेंगी तो इसका इंसिडेंस कम हो सकता है। हमारे यहाँ रूटीन स्क्रीनिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। गवर्नमेंट हालांकि पहले से अवेयर है, आजकल गवर्नमेंट बहुत कहती है फैसिलिटी, तो भी हम लोग गाँव दूर दूर में महिला लोग के बीच में नहीं हो पा रहा है। तो मैम इसका कारण क्या है, मतलब कि आमतौर जो अभी अधिकतर ये पाया गया महिलाओं में, जैसे कहा जाता है जैसे 35 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं ये ज्यादा शिकार हो रही हैं, क्यों, आखिर क्या कारण है इसका? देखिए, एक कारण है मल्टीपैरिटी, बहुत बच्चा जिसको रहता है। दूसरा बात है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर रहने से उसमें भी दिक्कत होता है। और हम देखिएगा कि मोहम्मडन में इसका इंसिडेंस कम होता है। मोहम्मडन में क्यों कम होता है, क्योंकि उसके हस्बैंड में सर्कमसिजन होता है, और हम लोग में मैंने हिंदू महिला में ज़्यादा होता है, मोहम्मडन महिला में कम होता है, क्योंकि मेल लोग का सर्कमसिजन होता है पेनिस का, तो उससे उनमें कम मतलब होता। एक से अधिक अगर संबंध अगर आप व्याप्त करते हैं तो ये ज्यादा केस पाया जाता है। अच्छा, तो इसका लक्षण क्या है, मतलब इसके होने की जो लक्षण है, मतलब किस तरीके से हम जानेंगे कि ये हमें हो रहा है या फिर हो रहा है? शुरू में ही तो वेजाइनल डिस्चार्ज सिर्फ होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगा, वो अधिक होने लगा, बढ़ जाता है। तो जब लास्ट शुरू में तो सिर्फ एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज, बाद में ब्लीडिंग, इरेगुलर स्पॉटिंग, फर्स्ट साइन है कि पोस्ट क्वाइटल स्पॉटिंग। हस्बैंड के साथ रहने से यदि थोड़ा भी ब्लड आ जाए तो उसमें तुरंत महिला को जाना चाहिए। अच्छा, तो इसका ये जो है 65 इयर्स से 65 इयर्स तक एवरी हर 5 साल में कराना जरूरी है, हर 5 साल में इसकी जांच करवानी जरूरी है। अभी पहले का नॉर्मल है तो 65 के बाद जांच कराने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसका उपाय क्या है, मान लीजिए अगर किसी को हो जाता है तो किस तरीके से मतलब अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो आजकल तो बहुत पैप स्मियर, कॉल्पोस्कोपी, उसके बाद हम लोग बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी से कंफर्म करते हैं, उसकी स्टेजिंग पता करते हैं कि कितना दूर तक फैला है। यदि अर्ली स्टेज है तो अभी भी ऑपरेबल है, ऑपरेशन हो सकता है। यदि लेट है तब आपको तो रेडियोथेरेपी दिलाना होगा।
और मैम इसका मान लीजिए कि अगर कोई अगर चाह रहे हैं कि उनको ना हो ये बीमारी, तो फिर उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए जो ना हो? तो बोल दिए कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होना चाहिए, मल्टीपैरिटिक ज्यादा बच्चे रहते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए जो वजाइनल हाइजीन मेंटेन करें कि कुछ इन्फेक्शन बार बार रेकरेंट इन्फेक्शन नहीं हो, और अपना चेकअप रेगुलर कराते रहें। उसमें है कि अर्ली पता, क्या है कि कैंसर होने में बहुत टाइम लगता है, पहले CIN1, CIN2, CIN3 तब जाके कैंसर में होता है, तो चार पाँच साल लग जाता है। उसमें यदि रेगुलर चेकअप अर्ली डिटेक्शन होगा तो उसको पहले, यदि कम उम्र की महिला है तो छोटा ऑपरेशन करके कोन बायोप्सी और कॉटराइजेशन ये सब किया जाता है, और थोड़ा एल्डरली रहे तो बच्चेदानी निकाला जा सकता है। मतलब अगर फर्स्ट स्टेज में अगर हम हैं इस कैंसर के, तो पहले तो आपको प्री इन्वेजी में ही पता चल जाता है ना, CIN1, CIN2, CIN3। CIN3 जो है तो सबसे बड़ा है, पहले CIN1 होता है, फिर CIN2, फिर CIN3। CIN3 जब हो गया तो और ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए, तो फिर आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ। तो फिर हमें मतलब खान पान में भी कोई सावधानी बरतनी चाहिए, या फिर खान पान से खास इसको मतलब नहीं है, लोग हाइजीन रेगुलर चेकअप, खान पान तो जनरल जो सबको खान पान से अपना ध्यान देना चाहिए। मैं मान लीजिए कि अगर किसी को हो गया हो तो उनके लिए कोई खान पान की सावधानी? नेचुरल है, प्रोटीन डाइट, हरा सब्जी या प्रोटीन डाइट लेंगी, कि मान लो उनको ट्रीटमेंट कराना है तो उनका हीमोग्लोबिन रहेगा ठीक तभी ना कोई ट्रीटमेंट कराएंगी, यदि हीमोग्लोबिन एनीमिक रहेंगी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इसमें कुछ मतलब खास कमी से भी कोई प्रॉब्लम होता है क्या? नहीं, कोई विटामिन के कमी से ऐसा नहीं होता है, कोई कुछ नहीं। तो जैसा कि हम लोग जाने आज डॉक्टर साहब से कि क्या होता है सर्वाइकल कैंसर, मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोगों को जरूर पता चल गया होगा कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, हमें किन किन सुविधाओं की सावधानी बरतनी चाहिए और किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब आप वीडियो में देख के जरूर जाने। मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।